हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सनलाइट क्राफ्ट में। आज मैं आपके लिए कुछ नया, कुछ हटके डिजाइन लेकर आई हूँ जो हम कुआ पूजन के समय इस्तेमाल करते हैं। कुआ पूजन एक औरत की लाइफ में बहुत ही यादगार घड़ी होती है और हर किसी की लाइफ में ये समय आता है कभी ना कभी। तो आज मैं उसके लिए एक, हमारे यहाँ इसको इंडली बोलते हैं, जो सर पे रखी जाती है उस समय जो कुआ पूजन के लिए महिला जाती है उसके सिर पे रखी जाती है ये। इसके ऊपर हम दो कलश रखते हैं जिसको महिला लेके जाती है कुएं तक। तो आज मैं इसको बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही यूनिक डिजाइन है, बहुत नया है और ये मैंने अपनी ननद के लिए बनाया है, तो मैं इसको गिफ्ट करने वाली हूँ अपने ननद को। तो आज मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी किस प्रकार मैंने इसको बनाया है। चलिए मैं इसको क्लोज से दिखा देती हूँ। देखिए, ये इसकी सर पे रखने वाली है इंडली है ये। इसको भी मैंने बहुत अच्छे से सजाया है। मैं इसको बताऊंगी कैसे मैंने इसको बनाया है। आप नीचे देखिए, ये गोल्ड कलर के मैंने मोती यूज किए हैं इसमें। इसको भी मैं भरना बताऊंगी। इसमें जो जो भी मैंने किया है उसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। आप इसको जब अपनी ससुराल जाएं, आप आपकी बहन की या ननद की शादी है, तो आप इसको गिफ्ट भी कर सकती हैं। बहुत यूनिक डिजाइन है ये। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनता है। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं ये इंडली को बनाना। ये जो हमारे सिर पे रखा जाता है, हम सबसे पहले इसको बनाएंगे। इसको बनाने के लिए गोटे वाले की दुकान पर आपको इसका फ्रेम मिल जाएगा। आप फ्रेम लेने के बाद ये रिबन जो आता है हमारा, मेहरून कलर का मैंने लिया है, आप कोई भी कलर ले सकती हैं, उसको मैंने ये दो बार लपेटा है। एक पहले एक लपेट लिया, फिर उसको दोबारा रिपीट किया। उसको लपेटने के बाद मैंने यहाँ पर इसको सुई से, देखिए आप देख सकती हैं, सुई से मैंने इसको टांग दिया जा ताकि ये ढीला ना हो। टांगने के बाद ये मैंने लैस ली है। अगर आप इसकी जगह कोई दूसरी लैस यूज करना चाहती हैं तो आप इस उसको भी यूज कर सकती हैं, ये आपकी इच्छा है। इसको मैंने मोटा मोटा टांगने के बाद इसके अंदर से, यहाँ से इसमें चारों तरफ फेविकोल लगा दिया ताकि ये टूटे ना, हिले ना और खींचे ना। उसके बाद ये फोम रोज फ्लोवर है, देखिए इनको मैंने जगह जगह ये इस तरह से चिपका दिया है। तो ये तो हो गया हमारा सिर पे रखने वाला। आप देखिए बहुत ही प्यारा डिजाइन है ये। आप देख सकती हैं जब ये माथे पे आता है तो बहुत सुंदर लगता है। अब बात करते हैं हम नीचे वाले डिजाइन की, इसकी। अब हम इसको भरना सीखेंगे। मैंने इसको कैसे बनाया है, इसको बनाने के बाद मैंने कैसे जोड़ा है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मैंने ये प्लास्टिक का, इसको हम कैनवास भी बोलते हैं, इसका ये अलग सा फ्रेम आता है। आप इसको बटरफ्लाई के नाम से भी कह सकती हैं, मेरे यहाँ इसको बटरफ्लाई बोलते हैं। तो आज मैं इसको भरना बताऊंगी आपको कैसे भरते हैं। ये मैंने देखिए येलो कलर का ऊन लिया है और इसको सुई में मैंने दूरा करके डाल लिया है। दूरा करके डालने के बाद आप देखिए जो हमारी ये बड़ी वाली लीफ है, पहले हम इसको बनाएंगे। देखिए यहाँ आप ध्यान दीजिए, ये यहाँ से मैं सुई निकालूंगी। नीचे मैंने नोट लगा ली है। मोटी नोट लगाएं, छोटी निकल जाएगी इसमें से। देखिए ये हमने निकाल लिया। अब जो हमारे ये हैं, यहाँ तक आप देख रही होंगी, यहाँ तक हम इसको छोड़ देंगे, हमें यहाँ से नहीं निकालना है। अब आप देखिए ये जो है, हम इसमें से इसको सुई को इस प्रकार निकालेंगे। देखिए आप देख रही हैं, ये मैंने सुई नीचे को करी और इसको इसके नीचे से यहाँ इस प्रकार निकाली। आप देख सकती हैं किस प्रकार निकाली है मैंने सुई, इसको निकाल लें। ये मैंने निकाल ली, वापस हम इसको यहाँ पर पकड़ लेंगे। और अब इधर देखिए, ये जो हमारी है यहाँ पर जो सबसे नीचे का है, उसमें से हम इसको इस प्रकार निकालेंगे। बहुत आसान है ये बनाना। देखिए फिर हम जो इसके अगले वाला है उसमें से निकालेंगे। वापस हम इस तरह करेंगे और जो ये सेकंड वाला है इसको इस घर से निकाल देंगे।
वापस हम अगले वाले में से इसको निकालेंगे। इसी प्रकार हम सब में से निकालते रहेंगे। देखिए देखिए, हम इसको एक एक करके निकालते रहेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे एक-एक में से सब में निकाल लिया, लेकिन हमारा यहाँ पर ज्यादा है ये बचे हुए। तो हम जब तक देखिए, इधर हमने कितने में निकाल लिया, 1 2 3 4 5 6। अब आप इधर से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 ये हमारे 6 हो गए। अब ये जो बचे हैं 1 2 3 4 5 6, 6 जो हैं हम लगातार सबसे ऊपर वाले में से बार बार निकालते रहेंगे। देखिए एक में से ही निकालना है ये हमें, जो हमारा सबसे ऊपर का है ये वाला, हम इसको लगातार इसमें से ही निकालते रहेंगे। देखिए मैंने ये 6 बाकी के बचे हुए एक ही जगह से ये निकाले हैं, तो इसमें हमारा देखिए बहुत सुंदर उभार सा भी आया है इसमें। अब हम इसको क्या करेंगे, जब इतनी बन जाए इसको इस तरह से पकड़ लेंगे। अब हम इधर से चलेंगे। ये बनाने का आसान तरीका है, आप चाहो तो जैसे आप बना रही थी पहले वैसे ही बनाती रहें। कोशिश करती हूँ मैं कि आपको वो तरीका बताऊँ जो सबसे आसान हो। अगर फिर भी मुझसे कोई रह जाती, मिस्टेक हो जाती है, तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी और आपकी हेल्प करूँगी। देखिए मैंने निकाल लिया, ये मेरा एक टूटा हुआ भी आ गया इसमें। देखिए मेरा यहाँ पे टूटा हुआ निकला, तो हम इसको नहीं बनाएंगे। अगर आपका कहीं बीच में है टूटा हुआ, तो आप बड़े प्यार से उसको निकाल लें धीरे से और उसको छोड़ दें। वो एक बार बनने के बाद वो कहीं नहीं होगा। देखिए इसमें भी मेरा एक टूटा हुआ है ये, तो मैंने इसको पहले उनको इस तरह से निकाल के इसको ऐसे पकड़ लिया, पकड़ने के बाद धीरे धीरे खींच दिया और उसको नीचे से निकाल दिया। अब ये कहीं भी नहीं जाने वाला है, ये ऊन ना निकलेगी इसमें से और ना ही कुछ होने वाला है, ये बिल्कुल आपका ऐसे ही रहेगा। अब जब हमारी ये लीफ बन गई, तो हम धागा निकाल लेते हैं नीचे को। ये हमारी एक लीफ कंप्लीट हो गई। अब मैं ये छोटी वाली भरनी बता देती हूँ। जिस प्रकार मैंने ये बड़ी वाली भरी है, उसी प्रकार हम ये जो 3 हमारी बाकी बची हैं, 1 2 3, इसी प्रकार हम इनको भी भर लेंगे। और जो ये छोटी वाली है उनको मैं बनाना अभी बताती हूँ आपको। चलिए अब हम छोटी वाली लीफ को इसको भर लेते हैं। इसको भरने के लिए भी हम सेम प्रोसीजर, यहाँ से सुई निकालेंगे।
सुई निकालने के बाद जो हमारे यहाँ के खाने हैं उनको हम छोड़ देंगे, इसको हम यहाँ से भरना शुरू करेंगे। आप देखिए मैं कहाँ से भरना शुरू कर रही हूँ, और इधर से हम इस प्रकार। देखिए मेरा टूट गया ये, तो थोड़ा ध्यान से करें थोड़ा। तो ये जैसे मेरा टूट गया तो मैं इसको वापस नीचे वाले में से ही लूंगी। देखिए जैसे मेरा ये टूट गया इसके ऊपर वाला, ये वाला, तो हमें क्या करना है, जो नीचे वाला है उसी में से हम इसको दोबारा निकाल देंगे। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर कोई परेशानी है तो उसका हल भी जरूर होगा, ऐसी बात नहीं है। देखिए ये मैंने उसके नीचे वाले में से ही निकाल दिया, ये मेरे पास काफी समय की रखी हुई है इसलिए थोड़ी कमजोर हो रही है ये। अब हम इसको इस प्रकार पकड़ लेंगे और वापस निकालते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। हमारी बन गई, तो हम धागा सुई नीचे की तरफ निकाल देंगे। देखिए ये मेरी दोनों लिंक बन के तैयार हैं, बहुत ही सुंदर लग रही है। अब हमें क्या करना है, देखिए जो हमारा पीला ऊन है उसको हम बीच में से नीले में निकालेंगे, लेकिन मैंने सुई निकाल दी है तो इसलिए मैं पीले वाले के लिए बनाती हूँ। ये हमारी नीली ऊन है तो हमें देखिए कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से इसको हम निकालेंगे। देखिए यहाँ से निकालने के बाद जो हमारा सबसे टॉप का वो था होल, उसमें से इसको निकाल देंगे। देखिए जो भी आप रंग लो डिफरेंट कलर का इसमें इस तरह से निकाल देंगे। देखिए जो ये मेरा पीला है तो उसमें से मैंने नीला निकाला है, जो नीला है उसमें से मैंने पीला निकाला है, इसी प्रकार हम निकालेंगे इनको। अब ये मैंने भरने के बाद इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद ही मैंने नौ लिए हैं, नौ को हम एक साथ जोड़ेंगे। नौ जोड़ने के बाद नौ नौ हम दो जगह जोड़ेंगे, नौ एक जगह जोड़ लिए देखिए, और नौ बाद में मैंने ये जोड़े हैं। इनको जोड़ने के बाद मैं आगे का प्रोसीजर बताती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है। देखिए ये मैंने नौ बनाने के बाद इनको जोड़ लिया है कुछ इस तरह से, देखिए मैं दिखाती हूँ इस तरह से, और फिर नौ ही मैंने नीचे जोड़े हैं इस तरह से। इनको मैंने नौ यहाँ पर और नौ नीचे और बीच में इनको यहाँ पे मैंने यहाँ पे टांग लिया है। टांगने के बाद मैंने इनके ऊपर सीसा लगा दिया है बीच में, इनको आपस में जोड़ने के बाद सीसा लगाया है।
उसके बाद मैं आगे का बताती हूँ मैंने किस प्रकार बनाया, उसके लिए क्या सामान जरूरत पड़ेगी वो भी मैं बताती हूँ। देखिए आगे के लिए हमें ये लटकन चाहिए इस प्रकार की, आप चाहें तो जो आपको उपलब्ध हो वो ले सकती हैं, या इसकी जगह कुछ बैल जो घंटी आती है छोटी छोटी वो भी आप ले सकती हैं। ये छोटे वाले सीसे जो 1 सेंटीमीटर में आते हैं आप देख सकती हैं, और इनके अलावा ये पाइप, ये सब सामान आपको गोटे वाले की दुकान पे मिल जाएगा बड़े आराम से। ये पाइप ले, इन पाइप को बीच में से आधा आधा तोड़ ले, मैंने इनको आधा आधा तोड़ के यूज किया है। इसके बाद हमें चाहिए ये गोल्डन कलर के मोती, इनको मैंने कैसे लगाया है चलिए मैं बताती हूँ। देखिए इसको बनाने के बाद सबसे पहले मैंने इसको बीच से जोड़ा, सबसे पहले मैंने ये मोती का लगाई एक लड़, फिर मैंने यहाँ पर ये 3 मोती, बीच में आधा पाइप, फिर 2 मोती इस प्रकार से लगाया, फिर एक मैंने मोती की लड़ लगाई। इसको इतना बनाने के बाद मैंने देखिए इधर मैंने ये 6 लड़ लगाई हैं, आपको मैं दूर से दिखा देती हूँ, देखिए मैंने कैसे ऐड की हैं, ये 6 6 लड़ दोनों तरफ लगाई हैं। इनको ऐड करने के बाद मैंने नीचे की लटकन लगाई है, ये देखिए ये मैंने नीचे की लटकन लगाई है, यहाँ पे भी मैंने आधे आधे पाइप यूज किए हैं आप देख सकती हैं। इसको बनाने के बाद मैंने जो हमारा ये इंडली है उसमें इसको ऐड किया है मोती लगा करके, देखिए ये मैंने मोती लगा के इसको यहाँ पे मैंने बीच में टांग दिया। टांगने के बाद फिर ये मैंने गोल्डन कलर के मोती से इसमें इस प्रकार का डिजाइन बना दिया, और हमारी इंडली बनके तैयार है। ये इस तरह से कुछ दिखेगा, जब हम इसको सर पे रखेंगे तो इस प्रकार से आएगा ये, और ये हमारी कमर पे आएगा इस प्रकार, ये हमारी कमर पे आएगा, बहुत सुंदर डिजाइन है ये। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक करना ना भूलें, और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।